हे गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बीके गूगल। इस चैनल में झारखंड सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से आपको जानकारी दी जाएगी। तो प्लीज, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपने तमाम उन दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए जो अभी झारखंड सिपाही की तैयारी कर रहा हो अथवा किसी भी डिफेंस लाइन की तैयारी कर रहा हो। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सामान्य विज्ञान की महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ। 30 प्रश्नों को आप पूरा बिल्कुल रट के रहे, 30 प्रश्नों को आप पूरा बिल्कुल याद कर ले, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न, इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न आ सकते हैं। तो टाइम बिना बिताए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों सामान्य विज्ञान से, वो है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों, अगर आप जानते हैं तो प्लीज आप कमेंट करते चले, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं भी जान सकूं कि आप मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं, मेरे साथ साथ मेरे बातों को अमल में भी ला रहे हैं। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। ठीक उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, आप ध्यान दे दोस्तों, औसतन विशिष्ट मैट्रिक लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, उस एग्जाम में रिलेट करके प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से एक टॉपिक पीएच का भी बनता है। तो आप केवल रक्त और आसुत जल जो मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है उन्हीं का पीएच मान याद ना करें, बल्कि और भी पीएच मान जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनको भी याद रखें। दूसरा प्रश्न दोस्तों, शुद्ध जल या आसुत जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल या आसुत जल का पीएच मान होता है 7। नेक्स्ट, विषाणु अर्थात वायरस, जिस प्रकार कोरोना वायरस आया, तो इसी टॉपिक्स का लेके अभी महत्वपूर्ण टॉपिक आता है कि वायरस की खोजकर्ता किसने की, वायरस को किसने खोजा। तो वायरस का खोजकर्ता का नाम है दोस्तों इवानोवस्की। दोस्तों, मैं समझाने के लिए आपको कोरोना वायरस का उदाहरण दिया हूं, तो प्लीज आप कोरोना वायरस के खोजकर्ता इससे ना समझे, ये वायरस के खोजकर्ता है जिनका नाम है इवानोवस्की। कवकों का अध्ययन किसे कहा जाता है? माइलोजी। जिस प्रकार मैंने आपको एक उदाहरण स्वरूप कवकों का अध्ययन बताया है, उसी प्रकार विशिष्ट प्रकार के 8-10 स्पेशल कवक हो गया, कोशिका हो गया, जीव विज्ञान हो गया, इस प्रकार के प्रत्येक अध्ययन के भाग को किसी न किसी नाम से पुकारा जाता है, किसी न किसी नाम से बोला जाता है। तो आप अध्ययन के बारे में भी याद कर ले, तो कवकों का अध्ययन को बोलते हैं माइलोजी। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने अक्सर एग्जाम दिया है, मैंने अक्सर प्रश्न पत्रों को देखा है, इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही बार रिपीट होते हैं। आप में से अगर कोई हमारे इस वीडियो को ऐसे आदमी देख रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट देख रहे हैं जो बहुत एग्जाम में बैठ चुके हैं, तो उन्हें यह जानकारी होगी कि मैं जो बता रहा हूं वह बहुत ही अनुभव से बताता हूं, और इसी प्रकार के प्रश्न को ही प्रायः एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक होती है दोस्तों ठोस में, और एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है दोस्तों? तो ये ग्रंथि भले ही छोटी है लेकिन इसका नाम बहुत ही बड़ा है, जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। दोस्तों, याद रखने के लिए, पीयूष दूध को बोला जाता है, और वो भी चूंकि इसे सबसे छोटी ग्रंथि के साथ साथ मास्टर ग्रंथि भी कहा गया है, तो आप याद रहे कि
सबसे छोटी एवं मास्टर ग्रंथि एक है जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से होता है। ध्यान दे दोस्तों कि प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से शुरू होता है अथवा होता है। तो प्रोटीन का पाचन जो स्टार्ट होता है या होता है वह है दोस्तों छोटी आंत में। एक विशेष बात छोटी आंत और बड़ी आंत को लेकर सभी विद्यार्थी को बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। तो ध्यान दे दोस्तों जो छोटी आंत है उसकी लंबाई बड़ी आंत की लंबाई से ज्यादा होती है। इस टॉपिक को आप समझे, छोटी आंत की लंबाई ज्यादा और बड़ी आंत छोटी होती है माप में। ठीक इसी प्रकार दोस्तों आते हैं हम लोग दृष्टि दोष में। तो दृष्टि दोष दो होते हैं और दोनों दृष्टि दोष किस लेंस से उसका निराकरण होता है अक्सर स्टूडेंट्स गड़बड़ाते हैं। तो मैं आज आपको एक बहुत ही आसान सा बहुत ही सटीक एक उदाहरण पेश करूंगा, बहुत ही सटीक तरीका पेश करूंगा जिससे आप यह वीडियो अगर ध्यान पूर्वक देख रहे हो तो आपको कभी भी दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग निराकरण के लिए किया जाता है कभी नहीं गड़बड़ाइएगा। तो ध्यान दे दोस्तों दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस एवं निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान दे दूर और दूर में दो अक्षर है, ठीक उसी प्रकार उत्तल में तीन अक्षर है। नेक्स्ट निकट दृष्टि दोष में नी कट तीन है तो अवतल लेंस में चार है। अर्थात दूर मतलब दो अक्षर वाला उसका आंसर होगा तीन अर्थात उत्तल लेंस, निकट अर्थात तीन अक्षरों वाला उसका आंसर होगा चार अर्थात अवतल लेंस। ठीक उसी प्रकार आते हैं दोस्तों नेक्स्ट जीवन रक्षक अम्ल किसे कहा गया है। ध्यान दे दोस्तों आपको अगर आप मैट्रिक स्तर का कोई भी एग्जाम देते हैं तो इस प्रकार के टॉपिक्स को आप विशेष जानकारी में रखें। केवल यह प्रश्न ही आपको पूछे जाए ऐसे नहीं पॉसिबल है या ऐसा नहीं होता है आप, लेकिन संबंधित प्रश्न ही पूछे जाएंगे। जिस प्रकार मैंने आपको अम्ल के बारे में बता रहा हूं तो अम्ल के बारे में एक दो चार अन्य आप डीपली अध्ययन करें और उसे याद रखें। तो जीवन रक्षक अम्ल किसे कहा गया है, एड्रीनल। ध्यान दे दोस्तों एड्रीनल को जीवन रक्षक कहा गया है, जीवन रक्षक अम्ल कहा गया है। ठीक उसी प्रकार आत्महत्या की थैली किसे कहा गया है, तो आत्महत्या की थैली कहा गया है लाइसोसोम को। ऊर्जा घर किसे कहा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया को। इस प्रकार अब बायोलॉजी का क्वेश्चन याद रखें। और जीन संगठन में आते हैं तो जीन संगठन में पुरुष एवं महिला का जीन के बारे में आपको याद रखना है। तो पुरुष का गुणसूत्र होता है XY और महिला की होती है XX। ठीक इसी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे का लिंग निर्धारण में किसका जीन संगठन ज्यादा सहायक होता है, तो ध्यान दे दोस्तों लिंग निर्धारण में पिता का क्रोमोसोम अर्थात पुरुष का क्रोमोसोम जो XY होता है वह सहायक होता है। और दोस्तों कौन सा अम्ल है, कौन सा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है, तो आंसर होगा विटामिन सी। ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है और इस प्रकार का प्रश्न पूछकर आपको एग्जाम में फंसा दिया जाता है। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों से आप फंसे नहीं, आपको निकालने के लिए मैं बहुत ही जीतोड़ मेहनत कर रहा हूँ और मेरा मेहनत रंग लाए इसके लिए मैं आपसे 1000 सब्सक्राइब का उम्मीद करता हूँ। आप प्लीज मेरे इस YouTube चैनल को अपने सारे उन मित्रों तक पहुँचाए, उन मित्रों तक भेजे जो JSSC झारखंड पुलिस की तैयारी अथवा एक्साइज डिपार्टमेंट की तैयारी अथवा SSC के द्वारा आयोजित GD की तैयारी कर रहा हो। मैट्रिक स्तर कोई भी एग्जाम हो आप आराम से मेरे इस चैनल को मेरे इस वीडियो को देखकर एक अनुमान अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो दूध में कौन सा विटामिन है जो नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है वह है विटामिन सी। कोशिका का अध्ययन
क्या कहलाता है? तो कहलाता है काइटोलॉजी। अब दोस्तों ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न बनता है, आलू तथा अदरक में हम लोग उनका कौन सा भाग खाते हैं? तो इसका आंसर होगा तना। ठीक उसी प्रकार आप अन्य खाद्य सामग्रियों की भी जानकारी रखें कि उसका कौन सा भाग खाते हैं। तो अदरक तथा आलू में हम लोग तना का भाग खाते हैं। और दोस्तों इंद्रधनुष के बीच का रंग कौन सा होता है? तो इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है हरा। प्रकाश की सर्वाधिक चाल किसमें होती है? तो प्रकाश की सबसे अधिक चाल हवा में होती है, लेकिन यही हवा में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है, इस बात को आप ध्यान रखें। मानव नेत्र में कौन सा लेंस या मानव नेत्र किस लेंस सिद्धांत पे काम करता है? तो उत्तल लेंस के सिद्धांत पे काम करता है। और दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि कौन ऐसा धातु है, ध्यान दे दोस्तों, कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, अर्थात कमरे की तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? तो इसका आंसर होगा पारा। और वही कौन ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो वह होगा ब्रोमीन। नेक्स्ट दोस्तों मैं आपको यह वीडियो पूरा देखने के लिए इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं बीच बीच में अपना खुद का रिसर्च करके जो मैं बढ़िया से जानकारी होती है मैं उसका एक सटीक जानकारी आपको भी याद कराने का कोशिश करता हूं, आपको भी देने का कोशिश करता हूं। ठीक इसी प्रकार मैं आज आप लोगों को एक रामबाण ट्रिक देने वाला हूं जो आपको याद करा देंगे कि इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन थे, प्रोटॉन के आविष्कारक कौन थे और न्यूट्रॉन के आविष्कारक कौन थे, क्योंकि बार बार ये इस प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं और हम लोग चूंकि याद रखने पड़ते हैं नाम है तो हम लोग हमेशा उसको गड़बड़ करते हैं। तो आज का जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, आविष्कारक कौन है, इसको जानने के लिए एक लाइन में है जिसको बोलते हैं द टी एच ई द चेन सी एच ए आई एन चेन जी ए आई पी गैप, अर्थात एक लाइन में इसका कोई मतलब नहीं बनता है दोस्तों, लेकिन यह एक याद करने का तरीका है द चेन गैप, जिसका अर्थात जिसका अर्थ यह होता है कि टी एच से द, टी एच का मतलब होता है थॉमसन, टी एच से थ होता है दोस्तों उसी से बनता है थॉमसन, जिसका मतलब होता है कि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, ई से होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज की, सी एच से होता है चे, चे अर्थात चैडविक, चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, एन से, जी ए आई से होता है गैल्डिस्टीन, तो गैल्डिस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। दोस्तों मैं बार बार आपसे यह रिक्वेस्ट करता हूं या बार बार आपको यह बताता हूं कि मेरी यह मेहनत आप नाकाम नहीं होने देंगे, आप इस वीडियो को यथासंभव शेयर करें और अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो एग्जाम रिलेटेड या प्रश्नावली रिलेटेड, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं या आपका कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप हमको कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। और हाँ बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों मार्स गैस किसे कहा गया है? तो मार्स गैस मीथेन को कहा गया है। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपको एग्जाम में आपके लिए सफलता कदम चुमेगी। बने रहिए आप हमारे साथ, बीके गूगल के साथ, बीके गूगल के टीम के साथ, और आपको बीके गूगल की टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।